क्वेश्चन नंबर फोर एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर 8 से हम देखेंगे. क्वेश्चन फोर्थ दिया हुआ है, गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड sin a एंड sec a. आपको पता है cot, यहाँ पे पहले जो हमारा गिवन है उससे हम बात करते हैं. 15 cot a इज इक्वल टू 8, क्लियर. अब आप यहाँ देखना, हम ऐसे भी लिख सकते हैं cot a इज इक्वल टू 8/15. अब आपको पता होना चाहिए cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, बी बाय पी. हर हर बोल पंडित बद्री प्रसाद. सो बी बाय पी हमारा दिया हुआ है. बी हमारा कितना हो गया, बी इज इक्वल टू 8 एंड पी इज इक्वल टू आपका हो गया 15. अभी एच हमें फाइंड करना है, रिलेशन हमें जैसे कि पहले और दूसरे तीसरे क्वेश्चन में हमने देखा था. सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब आप यहाँ देखना, एच की वैल्यू तो हमें फाइंड करना है, आप रहने दो, 8 का स्क्वायर एंड प्लस 15 का स्क्वायर. अभी 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 64 एंड 15 का बताइए 225. अब आप इसको प्लस कर दो, यहाँ आपका आ जा रहा है 9, 8 एंड 2, 289. सो h इज इक्वल टू रूट अंडर 289, इट मीन्स 17. एच आपका क्या आ गया, 17. अब आसानी से हम साइन ए और sec a की वैल्यू फाइंड करते हैं. चलिए देखते हैं साइन ए. साइन ए आपको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच. पी की वैल्यू हमारी, आप पहले लिख लो पी बाई एच. पी की वैल्यू आप देख लो कौन है, 15, और h कितना आपका है, 17 आया ना अभी, ओके. इसी तरह हमें sec की बात अगर हम करें तो sec किसका ऑपोजिट होता है, sec होता है cos का ऑपोजिट. cos क्या होता है, b by h. सो sec क्या हो जाएगा, h by b. सो यहाँ पे हमें लिख देंगे h by b. h की वैल्यू क्या है हमारी बताइए आप, अभी 17 लाया था मैंने. आप देखते जाओ और इसको अपने मन में इसको रिपीट करते जाओ या बोलते जाओ. आपको नेक्स्ट स्टेप जो मैं लिखने वाला हूँ ना तो उसको आप बोलते जाओ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. सो 17 बाई बी की वैल्यू हमारी 8. सो दिस इज योर आंसर, ये एंड ये, ओके.